कलश स्थापना की ये विधि अपना कर होगी माँ दुर्गा की पूजा सफल। कलश स्थापना के बाद ही शुरू होती है कोई भी पूजा, ये विधि अपना कर करे नवरात्र कलश स्थापना। नवरात्र हिंदुओं का ऐसा पर्व है जिसमें माँ दुर्गा का पूजन किया जाता है। नवरात्र का अर्थ है नौ रातों का समूह जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार कलश स्थापना के बाद ही किसी भी देवी देवता का पूजन का विधान है। इसका सबसे मुख्य कारण है कि कलश स्थापना विशेष मंत्रों एवं विधियों से किया जाता है। इससे कलश में सभी ग्रह नक्षत्रों एवं तीर्थों का वास हो जाता है। देवताओं एवं ग्रह नक्षत्रों के शुभ प्रभाव से पूजन संपन्न होता है और पूजन करने वाले को पूजन एवं शुभ कार्य का पूर्ण लाभ मिलता है। दुर्गा पूजा की शुरुआत में सबसे पहले कलश स्थापना का विधान है। इसका तात्पर्य भी यही है कि माता की पूजा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और माता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। कलश स्थापना की सरल विधि, कलश के ऊपर रोली से ओम और स्वास्तिक लिखें। पूजा आरंभ के समय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। अपने पूजा स्थल से दक्षिण और पूर्व के कोने में घी का दीपक जलाते हुए ओम दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपे हरतु मे पापम पूजा दीप नमस्ते मंत्र पढ़ते हुए दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं तरफ श्री गणेश की मूर्ति रखें। पूजा स्थल के उत्तर पूर्व भाग में पृथ्वी पर सात प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जो ओम भूमय नमः कहते हुए डालें। इसके उपरांत कलश में जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, पान सुपारी, रौली, मौली, चंदन, अक्षत, हल्दी, सिक्का, फूल इत्यादि उसमें डालें। अब कलश में थोड़ा और जल, गंगा जल डालते हुए ओम वरुणाय नमः मंत्र पढ़ें और कलश को पूर्ण रूप से भर दें। इसके बाद आम के पांच पल्लव डालें। यदि आम का पल्लव न हो तो पीपल, बरगद, गुल्लर अथवा पाकर का पल्लव ही कलश के ऊपर रखने का विधान है। जौ या कच्चा चावल कटोरे में भरकर कलश के ऊपर रखें, फिर लाल कपड़े से लिपटा हुआ कच्चा नारियल कलश पर रख कलश को माथे के समीप लाएं और वरुण देवता को प्रणाम करते हुए बालू या मिट्टी पर कलश स्थापित करें। मिट्टी में जौ का रोपण करें। कलश स्थापना के बाद माँ भगवती की अखंड ज्योति जलाएं। यदि हो सके तो ज्योति पूरे नौ दिनों तक जलती रहनी चाहिए। फिर श्री गणेश जी की पूजा, फिर वरुण देव विष्णु जी की पूजा करें। शिव, सूर्य, चंद्रादि नवग्रह की पूजा भी करें। इसके बाद देवी की प्रतिमा सामने चौकी पर रखकर पूजा करें। इसके बाद पुष्प लेकर मन में ही संकल्प लें कि माँ, मैं आज नवरात्र की प्रतिपदा से आपकी आराधना अमुख कार्य के लिए कर रहा हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करके मेरी कामना पूर्ण करें। पूजा के समय यदि आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है तो केवल दुर्गा सप्तशती में दिए गए नवार्ण मंत्र ओम एं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे से सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं। माँ शक्ति का यह मंत्र अमोघ है। आपके पास जो भी यथासंभव सामग्री हो उसी से आराधना करें। संभव हो तो श्रृंगार का सामान और नारियल चुन्नी जरूर चढ़ाएं। सर्वप्रथम माँ का ध्यान, आह्वान, आसन, अर्घ, स्नान, उपवस्त्र, वस्त्र, श्रृंगार का सामान, सिंदूर, हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, मिष्ठान, कोई भी ऋतुफल, नारियल आदि जो भी सुलभ हो माँ को अर्पित करें। पूजन के पश्चात श्रद्धापूर्वक सपरिवार आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना भी करें। ध्यान रखें कि कलश जो है सोना, चांदी, तांबा, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। लोहे या स्टील का कलश पूजा में नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो बोलिए जय माता दी, जय माता।